शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर चौतरफा उत्साह का माहौल है। ऐसे में बड़े बड़े पंडालों समेत कई जगहों पर लोगों की भीड़ जमा होने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से भी उत्साह के पर्व पर कोई अनहोनी ना हो इसका ध्यान रखा जा रहा है। बेसिकली सरोजिनी गणेश मंडल सभी पुलिस के अधीन में बैठ रहे हैं और कोतवाली गणेश पेट लकड़ा नदी में काफ़ी पुराने परंपरा वाले गणेश मंडल भी बैठ रहे हैं। तो चितारोड़ी और कॉटन मार्केट में बहुत बड़ा मार्केट है गणपति मूर्ति का, तो वहाँ पे पिछले दो दिनों से काफ़ी भीड़ बनी रही है। तो वहाँ पे हमारा अभी काफ़ी फोकस चल रहा है बंदोबस्त का, तो उसके लिए पूरे जोन 3 से बंदोबस्त निकाला गया है। इसके साथ साथ हेडक्वार्टर का और बाहर का बंदोबस्त भी हमें मिला है, होमगार्ड्स भी मिले तो उनका भी बंदोबस्त डिप्लॉय किया गया है। इसके साथ ही तहसील अध्यय में जो इतवारी मार्केट वगैरह आता है उस एरिया में भी काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। तो लगातार इसमें बंदोबस्त डिप्लॉय किया जा रहा है, पेट्रोलिंग भी की जा रही है और ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी यहाँ पे पूरा उनका बंदोबस्त 3 दिन से चल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सरल तरीके से ट्रैफिक रहे और कोई ट्रैफिक जाम ना हो इसके ऊपर हमारा अभी फोकस है चित्रावड़ी और कॉटन मार्केट एरिया में। बाकी आज जितने भी गणेश मंडल स्थापना होंगे उनके ऊपर भी कल से बंदोबस्त शुरू हो जाएगा। बड़ी मूर्ति कल शाम को ही बहुत सारी चले गई चितारोड़ी से, आज शाम को भी कुछ जाने की संभावना है, लेकिन अभी फिलहाल तो घरेलू जो डोमेस्टिक मूर्ति है उनका ही ज़्यादा व्यवहार यहाँ पे दिख रहा है मार्केट में। शाम को जब बड़ी मूर्ति निकलेगी तब थोड़ा और डिप्लॉयमेंट की जाएगी पुलिस फोर्स से। ओके, डीजे के ऊपर हमें सेम रूल है कि जो टाइमिंग का जो रूल है कि जिस दिन 10 तक परमिशन है वहाँ पे 10 बजे बंद होना चाहिए और जिस दिन 12 तक परमिशन मिलेगी उस दिन 12 बजे तक डीजे जो भी म्यूजिक सिस्टम होगी वो बंद होना चाहिए। और जो साउंड लिमिट्स है एज पर द सुप्रीम कोर्ट रूल्स, कमर्शियल एरियाज में और रेजिडेंशियल एरियाज में 85 डेसिबल्स और शांतता जोन में जो 75 डेसिबल्स का रूल है वो कायम रहेगा। तो सभी गणपति मंडल को भी हमने अपील किया है मीटिंग में कि जो भी ध्वनि प्रदूषण के नियम है उनका पालन किया जाए, तो सभी को इसमें इसके बारे में सूचित किया गया है।